करें। चलिए भाई नमस्कार आप सबको। आप हमारे ये बारसोई मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, ये भी हमारे मुखिया जी हैं, इधर भी मुखिया जी हैं बारसोई, इधर भी जिला पार्षद है जहां गोली कांड हुई थी। जनता अपने अधिकार के लिए जब निकलता है, आज के डेट में बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिजली, बिजली का बिल, बिजली नहीं जले तब भी 500 रुपया आ जाना है सबके घर में, एसी नहीं चले तब भी 3300 3400 3800 का बिल हो जाना है, बिजली के वोल्टेज में पंखा चले कि ना चले, मोबाइल चार्ज हो या ना हो तब भी बिल आ जाना है, बिजली मात्र 3 घंटे ही 4 घंटे मिले पूरा का पूरा कटौती हो जाए तब भी बिल आ जाना है, और 1 महीना जब बिल हम चुपचाप रहे 1 महीने के बाद 24,000 रुपया बिल थमा दो, 35,000 का बिल थमा दो, चाहे वो गरीब हो चाहे वर्किंग क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, बस जाओ इंजीनियर रावण हो चुके हैं इंजीनियर और एक्सिक्यूटिव इंजीनियर, वसूली के मामले में एक माइनिंग अफसर जो ज़बरदस्ती ट्रैक्टर ट्रक को मट्टी जो मेरे बाप का होता है उसमें भी वो 35,000 40,000 का ट्रैक्टर हमारा किसान का उसको थाने में बंद करके 40,000 ले लेता है, उससे बुरी हालत बिजली की है, जाता है मीटर में कुछ आया नहीं आया मीटर को काट के लेके चला जाता है, अब वो कौन मीटर जोड़ता है कहाँ से मीटर लाता है, और 25,000 का बिल थमा करके चला जाता है, या तो बिल जमा कीजिए नहीं तो केस होगा या नहीं तो कर्ज लेकर के आप मर जाइए, लेकिन बिल चाहिए। ये जो सरप्लस बिजली की बात हिंदुस्तान में होती है, मोदी जी कभी उस देश कभी उस देश, हमरा बिहार में तू नटवा तोरा बिहार में हम नटवा, गांव में नौते न भलाई में नौता, सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश बिहार, और लगातार हम बिजली की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और हम दूसरे कंट्री से बिजली की उम्मीद करते हैं, तो ये जो 8 रुपये से ऊपर जो आप लगातार बिजली का आप ले रहे कर उठाए हुए हैं, जो कि अन्य जगहों पर 5 रुपये से नीचे की, अब आप हमको एक बात बताइए कि 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा गांव में आप किसान को बिजली देने की बात कर रहे हैं, रात में गांव के लोगों को बिजली नहीं मिलती है, गर्मी में सोते हैं, अंधकार में सांप काट लेगा, बाढ़ आ रहा है और बिजली कहीं नहीं है, तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि कम से कम किसान को तो छोड़िए, कम से कम आम आदमी को 24 घंटे में कम से कम आप 16 घंटा 17 घंटा 15 घंटा तो बिजली देंगे, और मूल्यांकन करिए हमारे बिल का, बिजली को लेकर के आम आदमी आम जनता पर बोझ नहीं पड़नी चाहिए, और जो गरीब का क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है खास तौर पर जो जिसकी इनकम बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम 6,000 से भी कम है, 6,000 से ऊपर नहीं है, किसी भी कीमत पर बिजली का बिल 6,000 रुपया, और जिसको अनाज चावल देकर के हम जिंदा रखे हुए हैं उसको बिजली का बिल नहीं, बोझ नहीं पड़ना चाहिए किसी भी कीमत पर। इसीलिए बारसोई में हमारे सारे मुखिया जी जिला परिषद सब लोग 20 दिनों से आम जनता के सवाल को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें बिजली दो, कटौती ना हो। अच्छा, जहां स्मार्ट मीटर है वहां तो और आतंक का
मतलब बिजली का मतलब, स्मार्ट मीटर का मतलब आतंक, आतंक भोचर भराए, और पता चला कि हमारे कूपन में भोचर था 3,500 का 3,400 का, अब बचा मात्र 300, फिर से आप भोचर भरा। तो स्मार्ट मीटर आतंक मीटर है, और ये इंजीनियर एसडीओ और एक्सिक्यूटिव इंजीनियर, ये गिद्ध दृष्टि है रावण, इसको सरकार सरकार को रेवेन्यू देने के लिए ये जनता को खत्म कर रही है कि हम एन केन प्रकार हैं। टारगेट जो बिजली का रेवेन्यू का है उसको मार के जनता को, हमको सरकार को बिजली टारगेट करके पूरा करना, वो सबसे ज्यादा। चूंकि एक बात इसको समझिए, और ये समझना बहुत जरूरी है, फैक्ट्री वाले से एक्सिक्यूटिव इंजीनियर बिजली के इंजीनियर पैसे लेकर के उसको नहीं काटते हैं, बड़े घर को नहीं काटता है, क्योंकि उससे उसका सेटिंग है। नेताओं के घर को नहीं काटता है, फैक्ट्री से पैसा लेकर के उसको सरप्लस बिजली देता है। और गांव में किसान को, लोअर क्लास को, मिडिल क्लास को, वर्किंग क्लास को के लिए ये रावण बन चुका है। पूरी जांच चाहते हैं हम, जहां छोटी मड़ी उद्योग है वहां पर ये पैसा लेकर के उसको सरप्लस बिजली देता है, हमारी फीडर का बिजली काट के शहर को बिजली रखता है। तो इसीलिए सारे मुखिया संघ के अध्यक्ष से लेकर सब पर केस कर दिया गया, सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। परसों कटिहार की जनता ने गोलीकांड, सोनू शाह, खुर्शीद और नियाज, इनके खिलाफ पूरी कटिहार की जनता सपोर्ट की, और हमारे जनप्रतिनिधि पर, मुखिया, जिला परिषद से लेकर सब पर 46 लोगों पर केस किया गया और अन्य 1500 दिया गया। इसलिए बिजली के सवाल पर 12 तारीख को हम पूरी जांच चाहते हैं सरकार से कि आप सीआईडी जांच करा दें, न्यायिक जांच करा दें कि एसडीओ और डीएसपी की भूमिका क्या है। एसडीओ के बॉडीगार्ड ने गोली चलाया, एसडीओ के बॉडीगार्ड, हम दोनों की भूमिका की जांच चाहते हैं। और वहां कौन कौन पदाधिकारी जमीन खरीद के मकान बना रहे हैं उसकी भी जांच चाहते हैं। और जिन आम आदमी को, गरीबों को, जनप्रतिनिधि को केस में फंसाया है उसकी सीआईडी की इंक्वायरी चाहते हैं। और बिहार में तीन चीज जो गरीबी रेखा के नीचे है उस पर बिजली का बिल ना लिया जाए, जो पर कैपिटा इनकम 6,000 है उससे बिजली का बिल ना लिया जाए, और जिसको 5 किलो 10 किलो अनाज दिया जाता है उसको बिजली का बिल ना लिया जाए। इंजीनियर और एक्सिक्यूटिव जिस तरीके से आतंक फैलाए हुए हैं, आम और मिडिल क्लास को केस करते हैं, उसको रोका जाए। स्मार्ट मीटर को आतंक न बनाया जाए, और जो कटौती हो रही है वो 2 घंटा 1 घंटा से ज्यादा कटौती ना हो। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है किसी भी कीमत पर 12 तारीख को बारसोई में जन आक्रोश सभा, उसके बाद गवर्नर हाउस मार्च, उसके बाद किशनगंज से बारसोई, कटिहार, पूर्णिया, अररिया पहला फेज में, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कोसी सीमांचल में बिजली के फ्रीडम के लिए, आम आदमी को बिजली आर्थिक बोझ न दिया जाए, इसके लिए पदयात्रा हम लोगों की शुरुआत होगी। पहला फेज होगा सीमांचल और कोसी, दूसरा फेज होगा मिथिलांचल, तीसरा होगा मगध, इस तरह चौथा होगा अंगदेश। इस तरह बिजली के मुद्दों पर हम लोगों का यह निर्णय हुआ है कि जो राइट हम मांगते हैं उस पर हमको गोली चलाते हैं, मारते हैं, और मेरे जनप्रतिनिधि को के अधिकार से वंचित करते हैं। इसके लिए आर पार की लड़ाई हम लोगों ने
निर्णय लिया है शुरुआत करने, सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पूरी प्रकरण की, बारसोई की पूरी प्रकरण की सीआईडी से जांच कराई जाए। दूसरा एक छोटा मुद्दा, आज एक बिल पेश हुआ है राज्यसभा में। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, पूरा का पूरा 2024 के बाद चुनाव होगी ही नहीं, आतंक का माहौल है। आज एक बिल पेश हुआ जिसमें पीएम, मनोनीत लोग और विपक्ष के नेता मात्र तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें नहीं रहेंगे। ऐसे निर्णय के खिलाफ जो देश के संविधान के सर्वोच्च सदन पर हमला हो, मैं मानता हूं विधायपालिका सर्वोच्च सदन है कानून बनाने के लिए, लेकिन कानून की व्याख्या और सर्वोच्चता सर्वोच्च न्यायालय की है, और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आज के डेट में उनके सुनने वाले नहीं है। इसीलिए इस कानून को कल के दिन